अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी, और उसमें कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी हैं, इफ़ एल्स का इंट्रोडक्शन लेंगे दोबारा से, और उसमें कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि उसमें प्रोग्राम्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, और कैसे यूज़ ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे वो की पॉइंट्स को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह आज। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट को दोबारा से ज़रा यहाँ पे एक बार रिवीन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट थी, कि अगर तो हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के बाद कोई भी कंडीशन प्लेस करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है हमारी, तो कंडीशन ट्रू होने पे हम लोग क्या करेंगे कि जो कोड इफ़ की स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा यहाँ पर जो इस पैरेंथेसिस के अंदर प्लेस किया जाएगा वो रन कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। तो इसमें अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जैसे कि एक स्टेटमेंट सपोज मेरे पास ये है और एक स्टेटमेंट मेरे पास ये है, अगर इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो उसके लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी ये है कि आप लोगों को कर्ली ब्रेसिस, यानी कि जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट भी बोलते हैं, वो प्लेस करनी पड़ेगी। हाँ, और अगर आप इसके अलावा इसमें से कुछ सिर्फ कोड रन करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, फिर आप ये वाली जो है कर्ली ब्रेसेस इसको रिमूव कर सकते हैं। तो फिर इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पे जस्ट ये वाला कोड चलेगा, उसके बाद एज़ यूजुअल ये जो है आपका कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो फिर सेम तो नहीं ना हो सकता। इसमें एक इशू ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स होने पर, क्योंकि डेफिनेटली कोड ये नहीं चलेगा, तो फिर इसके ऑनवर्ड जितनी भी लाइंस होंगी उनका कोड भी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस पर फिर क्या होगा कि जो एल्स का कोड होगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इफ़ एल्स की कंडीशन तो उसमें तो अगर इफ़ की कंडीशन तो जस्ट ट्रू होने पर चलती है, लेकिन अगर कोड फॉल्स हो जाता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो ठीक नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में फिर एल्स से रिलेटेड जो भी कोड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अगर एक आपके पास स्टेटमेंट है तो वो, अदरवाइज अगर आप लोगों ने वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हुआ है तो उसके अंदर जितना भी कोड होगा तो कोड कंडीशन के फॉल्स होने पे ये सारा कोड एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब इसमें एक एक्टिविटी है, पहले वो करते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, हम वो भी देखेंगे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी क्या है जी हमारे पास, एक्टिविटी ये है कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी हमारे पास एक बंदा है, उसका हम लोगों ने टेम्परेचर मेजर करना है, और टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो क्या है जी, नॉर्मल वैल्यू उसकी लिख लेते हैं, नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास 98.6। नॉर्मल टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का वो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। अगर तो टेम्परेचर इससे बिलो है या 98.6 है तो इट्स ओके, फिर हम कहेंगे कि जी नॉर्मल है बंदा। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर 98.6 से अबव है तो हम कहेंगे कि जी यू हैव अ टेम्परेचर। अगर तो इससे कम या 98.6 है तो हम नॉर्मल का शो करवा देंगे, या शो करवा देंगे कि जी आपको टेम्परेचर नहीं है। तो यहाँ पे एक मैसेज जो है वो शो करवाना है हमने, मैं रिपीट कर देता हूँ, यू डोंट हैव फीवर या यू हैव फीवर, ठीक है। तो ये मैसेज हम लोगों ने शो करवाना है। इसके लिए क्या कंडीशन होगी जी हमारे पास, सबसे पहले उसी तरह से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, एसटीडी की एक फाइल शामिल कर देते हैं io.h, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे void main का अपना एक फंक्शन बना लेते हैं। void main का फंक्शन बनाने के बाद हम लोग इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, अभी जस्ट ये फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, जिसको कहीं हम यहाँ पर जाके इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएगा जी, हम लोग ये 98.6 क्योंकि डेफिनेटली पॉइंट वाली वैल्यू है, रियल कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग जो टाइप यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, फ्लोट, फ्लोट टाइप का आप जो है डेटा टाइप यानी कि यूज़ करेंगे। उसके लिए वेरिएबल कर लेते हैं जी टेम्परेचर, आपकी मर्जी का स्टूडेंट्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी है, आपकी मर्जी भी हो सकती है, तो हम लोगों ने टेम्परेचर के नाम से बना लिया। और स्कैन एफ के जरिए से हम लोग वो टेम्परेचर गेट कर लेते हैं, स्कैन एफ के जरिए से कैसे करेंगे, डेटा टाइप क्योंकि फ्लोट है तो हमारा आइडेंटिफायर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, एफ। इसके बाद हमारे पास जो है उसका वेरिएबल, वेरिएबल गेट करेंगे, एंड का साइन लगाएंगे, और टेम्परेचर का जो हमारे पास वेरिएबल है ये विद स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब आप ये वाली वैल्यू गेट कर लेंगे, इनपुट इसकी हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोग यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ टेम्परेचर इक्वल्स टू और लेस देन, लेस देन भी हो सकता है, 98.4 भी हो सकता है, 98.5 भी हो सकता है, तो इसलिए हम टेम्परेचर की वैल्यू लेस देन के साथ कंडीशन लगाएंगे, टेम्परेचर इज इक्वल टू लेस देन 98.6।
अगर इस तरह से होता है तो इफ की हम जो बॉडी है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं या चल इधर ही कर लेते हैं इसको जस्ट कि इफ की बॉडी स्टार्ट कर दी कर्ली ब्रेसेस लगानी है तभी ठीक है, अदरवाइज एक मैसेज है ब्रेसेस ना भी लगाएं तो इट्स ओके काम कर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये प्लेस कर रहा हूँ इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं ताकि बाद में इसकी एंडिंग भूल ना जाए। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज क्या शो करवाने वाले हैं जी हम प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ करना है जी, यू डोंट हैव फीवर, यानी कि आपको फीवर नहीं है, आपको बुखार नहीं है, लेकिन अगर 98.6 से ग्रेटर देन की होती है कंडीशन, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है 98.6 से ज्यादा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स सिर्फ ग्रेटर देन पे होगी क्योंकि लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन तो हम लोग यूज कर चुके हैं। तो इसलिए एल्स क्या होगा, एल्स अगर यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो इससे ऊपर है तो फिर क्या मैसेज शो करवाना है उसको ब्रेसेस के बगैर कर लेते हैं। प्रिंट एफ यू हैव फीवर, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो है वर्ड में इनका फंक्शन सॉरी यहाँ पे बंद नहीं होगा, आप इसको गलत नहीं लीजिएगा, ये यहाँ पर आ जाएगी ब्रैकेट क्योंकि वो कोड हम नीचे कर रहे थे तो मैंने साइड पे लिख दिया, इसलिए हम उसको वहाँ पे कवर कर लेंगे। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं स्टूडेंट्स उसको जरा साइड पे कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पे ये इसका शो ना हो जाए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे एल्स का कोड लगा रहा हूँ, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रिंट एफ क्या करना है, हमने प्रिंट एफ ये करना है कि भाई आपको फीवर नहीं है, सॉरी है, तो यू हैव फीवर मैसेज मैंने बोल दिया, साथ अगर विजिबल नहीं होगा तो आप इसको कवर कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे वर्ड मेन के फंक्शन की जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी और जिसमें 98.6 से अबव होने से टेम्परेचर शो हो जाएगा कि यू हैव फीवर, और अगर 98.6 से कम होगा तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितने भी हमारे गैजेट्स बनते हैं जो टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोविड के बाद डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया गया है, तो उसका जो प्रोग्राम है वो इसी सिचुएशन पे बना हुआ है, किसी भी लैंग्वेज से बना हो लेकिन इसी बेसिकली कैटेगरी और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके बनाया जाता है, जिसको बाद में हम मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करके उसको एच कर लेते हैं किसी एक हार्डवेयर के साथ, तो फिर वो हार्डवेयर मेजर करना शुरू कर देता है। अदरवाइज़ कोई वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बेसिकली यही प्रोग्राम हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ में ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम करते हैं जी। अब उसमें क्या है जी कि आपने परसेंटेज शो करवानी है किसी भी स्टूडेंट की, वो परसेंटेज क्या है, अगर तो परसेंटेज की वैल्यू 80% से अबव है, 80% से अबव है तो फिर हम शो करवाएंगे कि जी आपका जो ग्रेड है वो ए है। उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स बुक पे एक टेबल भी दिया है, वो टेबल आप लोग देख सकते हैं कि 80% से या 80% से अबव हो तो ए, और अगर 70-80 आ रहा है तो बी, अगर 60-70 है तो सी, और 50-60 है तो डी, और अगर इधर अदरवाइज 50% से बिलो आ रहा है उसका जो परसेंटेज है तो फिर हम उसको एफ यानी कि फेल कंसिडर करके उसको शो करवा देंगे उसके मुताबिक मैसेज। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इधर कर लेते हैं ताकि ये पूरा आ जाए हमारा स्क्रीन के ऊपर। अब ये है जी के सबसे पहले मैं दोबारा से फिर वही इंक्लूड कर लेता हूं फाइल, इसकी गलती बिल्कुल नहीं कर रही, इंक्लूड की फाइल बिल्कुल जरूरी है, stdio.h, और फिर आपने void main का एक फंक्शन बना लेना है। मेन बेसिकली हमारा फंक्शन नेम है, पैरेंथेसिस आ गई तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये उसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब हम लोगों ने एक परसेंटेज के लिए वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप उसकी फ्लोट रख दी और वेरिएबल बना दिया जी परसेंटेज, आप शॉर्ट में पर्स भी लिख सकते हैं लेकिन परसेंटेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया। अब इसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली यूजर खुद प्रोवाइड करेगा, इसलिए हम यहां पे एक मैसेज शो करवा लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर द परसेंटेज, यानी कि जो भी आपकी परसेंटेज है जी वो आप एंटर करें, और इस तरह से कॉलन लगा के डबल कोट, इतना मैसेज तो है जो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज शो हो जाएगा, एंटर परसेंटेज। इसकी आउटपुट क्या होगी, एंटर परसेंटेज पहले मैसेज शो होगा, वो हम आउटपुट को साथ अभी लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्कैन एफ एक वेरिएबल पास करवा देते हैं, इसको कौन सा इनपुट जिसके जरिए से हमने लेनी है, फॉर्मल आइडेंटिफायर रखेंगे उसका एफ क्योंकि फ्लोर डेटा टाइप है, और कॉमा सेपरेटर आ गया। सेपरेटर के बाद क्या आएगा जी हमारे पास, यहाँ पे उसी वेरिएबल की वैल्यू विद एंड, एंड का साइन लगा के आपने उस वेरिएबल को गेट कर लिया, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन को क्लोज कर दिया, यानी कि सेमीकोलन लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, अब हम लगा देते हैं इफ की कंडीशन, इफ परसेंटेज
इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 80, अगर तो 80 से अबव या 80 ही है तो हमने क्या मैसेज शो करवाना है, उसके लिए हम मैसेज शो करवाएंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो हम एक ही जस्ट मैसेज शो करवाएंगे। तो ब्रेसेस को यूटिलाइज ना भी करेंगे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं आएगा। तो प्रिंट एफ ए कि भाई आपकी परसेंटेज ए है, उसके बाद न्यू लाइन पर जाने के लिए उन्होंने वो एस्केप सीक्वेंस यूज किया है स्लैश बैक स्लैश विद एन, बैक स्लैश आपका एस्केप करेक्टर और एन न्यू लाइन पे जाने के लिए। तो अगर आपने यूज करना है कर सकते, अदरवाइज वो स्क्रीन के बिल्कुल सामने ही शो हो जाएगा जहां पे आउटपुट आ रही होगी। तो ये प्रिंट एफ हो गया जी ए, इसकी परसेंटेज हो जाएगी ए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास सिर्फ एक सिचुएशन नहीं है, एल्स पे तो हम कर देंगे कि जी इफ परसेंटेज 80 से अबव है तो उसको ए शो करवा दें, एल्स अगर नहीं है तो फिर उसको फेल कर दें। लेकिन दरमियान में हमारे पास कुछ और भी सीक्वेंसेस हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल एल्स इफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो नेस्टेड इफ से जाकर मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी जो एक प्रोग्राम आ गया उसको कवर करना पड़ेगा। सो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि मल्टीपल अभी और भी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ, उसके लिए आपको इफ ही बेसिकली दोबारा यूज करना पड़ रहा है लेकिन विद एल्स कीवर्ड। तो हम लिखेंगे एल्स इफ, अगर इफ की कंडीशन ये नहीं हो चलती तो फिर कौन सी चलेगी, एल्स इफ चलेगी। ये बेसिकली अल्टरनेट स्टेटमेंट है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट भी बुक के ऊपर दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट नोट जो है वो भी क्लियर आपका होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट नोट, एल्स इफ क्या है जी के अगर परसेंटेज की वैल्यू जो है वो हम कर लेते हैं 80 से बिलो, या ऐसे कर लेते हैं कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड एंड का साइन यूज कर लेते हैं साथ में, एंड परसेंटेज लेस देन और इक्वल्स टू 80, लेस देन और इक्वल्स टू 80 यूज कर ले। या फिर उसके लिए एक जो है हमारे पास हल ये है कि अगर हम वो वहां पे ग्रेटर देन जस्ट 70 कर देते हैं वो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही किया हुआ तो हमें इतना वो कॉम्प्लेक्स उसको करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज हम एंड ऑपरेटर को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज जो है वो 70 से अबव है तो फिर क्या होगा जी, परसेंटेज अगर 70 से अबव है तो फिर मैसेज क्या शो होगा, प्रिंट एफ ग्रेड बी, फिर न्यू लाइन पे जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अगर 70 भी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे जी एल्स इफ परसेंटेज, अगर आपकी जी 70 पे भी फॉल नहीं कर रही तो फिर परसेंटेज मे बी ये 60 से ऊपर हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रिंट करवाएंगे जी, प्रिंट एफ आपका ग्रेड चल रहा है जी सी, एस्केप सीक्वेंस वो यूज किया और नेक्स्ट लाइन पे आ गए। उसके बाद फिर है हमारे पास एक और कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ आपकी परसेंटेज अगर सपोज इस 60 पे भी फॉल नहीं कर रही तो फिर परसेंटेज आपकी ग्रेटर देन 50 है, तो अगर 50 से अबव आ गई अगर ये कंडीशन चलेगी तो फिर अगर ट्रू होगी तो क्या चलेगा जी, प्रिंट एफ हो जाएगा हमारे पास उसका ग्रेड जो है वो डी और फिर हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती, परसेंटेज 50 से भी अबव नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही सिचुएशन है जनाब के, हम क्या करेंगे उसको कर देंगे एल्स। अगर आपका ये सारा कोड नहीं चलता, इफ की कंडीशन ये नहीं चलती, एल्स इफ की ये भी नहीं चलती, एल्स इफ की ये 60 से अबव वाली भी नहीं चलती, एल्स इफ की कंडीशन जो है वो परसेंटेज अबव 50 भी नहीं चलती, अगर इनमें से कोई भी रन नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली एक ही हाल है जी कि आपको क्या कर दिया जाए, आपको प्रिंट करवा दिया जाए, प्रिंट एफ फेल, यानी कि एफ जो है वो हम शो करवा देते हैं। उसके लिए यहां पे एन आ गया और डबल कोट और स्टेटमेंट क्लॉज, ये आपका जो है वो इफ की कंडीशन के लिए हम लोगों ने कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया, उसको क्लोज नहीं किया मैंने जस्ट वॉइड मेन वाले फंक्शन को क्लोज किया है। तो मैंने ये लास्ट पे ब्रैकेट बंद कर दी, ये हमारा प्रोग्राम बन गया परसेंटेज के लिए। अगर परसेंटेज किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगी तो उसके वेरी नेक्स्ट लाइन वाली कोड चलेगा, अगर परसेंटेज 60 से अबव है तो स्टूडेंट्स सिर्फ ये प्रिंट होगा ये वाला, अगर परसेंटेज 50 से अबव है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर परसेंटेज 70 से अबव है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और अगर परसेंटेज 80 से अबव है तो ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं चलता तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट ये वाला कोड रन होगा, जिसमें जस्ट हम लोगों ने एल्स लिखना होता है, उसमें हमें ये साथ में कोई कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेफिनेटली जब इनमें से कोई भी नहीं चली तो इसका मतलब है कि 50 से अबव बिलो आ गया, तो 50 से बिलो पे हम उसको फॉल्स कर देंगे और उसको फेल कंसिडर कर देंगे। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आप लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर जो है वो विद इफ एल्स स्टेटमेंट ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें नेस्टेड का मतलब होगा कि जी हम उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इज एफ एल्स इफ यूज करेंगे, तो उसमें आप किसी भी कंडीशन के अंदर उसके बॉडी में आप फर्दर एक कंडीशन यूज कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।